और ये है बच्चों का नाश्ता। इसमें जो है मैंने चूरी बनाई है ज़ेमियोनी हरमेन के लिए। ये मैंने सिंपल रोटी बना के ना, और इसके साथ देसी घी डाल के थोड़ी सी चीनी मिला के इस तरह मैंने कहा आज ये चूरी खा लें और साथ में दूध दूंगी। अपने लिए मैंने बनाया है क्या वो मैं आपको दिखाती हूँ। और जनाब ये है मेरा नाश्ता। एग्स के ऊपर मैं इतनी ज़्यादा ब्लैक पेपर डाल के डाल खाती हूँ, बस मुझे एग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं और ब्लैक पेपर भी। तो ये मेरा नाश्ता। कल किए थे मैंने बहुत से घर के काम और आज मुझे बिल्कुल दिल नहीं था कुछ भी करने को, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने लगाया अपने बालों पे मास्क, और वो मास्क में गार्नियर का एक मास्क है, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, ये हेयर फूड बनाना जो गार्नियर का मास्क है ये मैंने अपने बालों पे लगाया है। और बाल मैंने हल्के से मॉइस्ट कर लिए थे, उसके बाद मैंने अपने बालों पे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लेके और उन पे इसको अप्लाई किया है। बिल्कुल भी इनके बताए हुए तरीके से नहीं करी, मैं अपने तरीके से करी हूँ। और उसके बाद मैंने अपने जो शावर कैप होती है वो पहन ली है, और साथ ही मैंने जो है अपने जो अपना मुंह शरीफ है उस पे मैंने सबसे पहले अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद, उसके बाद मैंने योगर्ट से क्लिनजिंग की है। और क्लिनजिंग करने के बाद ये जो कॉफ़ी है, जी बच्चा किधर आ जाऊँ, मैं आ रही हूँ। अच्छा, ये जो योगर्ट के अंदर मैंने कॉफ़ी मिला के इससे मैंने स्क्रब किया है अच्छा सा। ठीक, आपको पता है आजकल गर्मियाँ हैं और जो मेरी बहनें यहाँ पे रहती हैं अब्रॉड में, उनको पता है कि यहाँ की धूप जो है वो कितनी जालिम किस्म की धूप होती है, एकदम ना आपको जला के रख देती है। अभी आपको मेरे हाथ देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा, मतलब भस्म कर देती है, वो जो नहीं कहते भस्म करना उसी, और जब आप चले जाओ बीच पे तो फिर आप और ही भस्म हो जाते हो। तो खैर, वो अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, फ्रेश करने के लिए ये मैं कर रही हूँ। और ये मैंने कॉफ़ी के अंदर क्या बोलते हैं उसको, योगर्ट के अंदर कॉफ़ी मिलाई है, ये मैंने इससे मैंने किया है स्क्रब। और लास्ट में जो मैंने किया है मास्क जो लगाया है, मास्क मैंने मेरे पास ये जो है ईव वोशे का मास्क है, ये मैं लेके आई थी, अवेकन योर स्किन, और ये रेडियंस मास्क है, मैंने कहा ये लगाते हैं। और दो मैंने देसी टोटके किए हैं और एक मैंने ये ईव गोशे की क्रीम लगाई है। ईव गोशे की जो प्रोडक्ट्स होती हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक होती हैं, कोई मसला नहीं होता इनका वैसे भी, और ये मैंने यूज़ किया है और बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ेगा, इसलिए कि मास्क और स्क्रबिंग के बाद ही ना बड़ा अच्छा फेस आपका जो है ग्लो ग्लो करना शुरू हो जाएगा। और ये तो मास्क बहुत अच्छे हैं। जो मेरी बहनें फ्रांस में रहती हैं ना, मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आंखें बंद करके एक ये वाला रेडियंस मास्क और एक और दूसरा मास्क है, वो जब मैं यूज़ करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी, ये आप ईव गोशे से ले लें भाई, पकड़ लें इसको, इसलिए कि बड़े मज़े का है। मास्क लगाने के बाद यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ कि मास्क मेरा ड्राई हो जाए, और अभी ये कुछ ड्राई हो रहा है। अगर आपके पास ईव गोशे नहीं है या कुछ भी, आपके पास जो मास्क है वो मास्क लगा लें, टमाटर का पेस्ट लगा लें, आप सिंपल दही लगा लें, दही और कॉफ़ी जिसके साथ आपने स्क्रब किया है, नहीं तो उसी को एज अ मास्क यूज़ कर लें सिंपल। और कुछ दिनों के बाद ना अपने स्किन को पैम्पर करती रहा करें। मैं खुद तो इतना नहीं करती, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, सच्ची बड़ा अच्छा फील होता है, आप खुद को बहुत अच्छा फील होता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा फील होता है। और जो मेरी बहनें रेगुलर करती हैं उनको तो सल्यूट है मेरी तरफ से, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अपना ख्याल रखना, पता है इतना बिजी स्केड्यूल होता है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ता है, जैसे आज मैंने निकाला है बड़े अरसे के बाद। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीक में एक दफ़ा तो लाजमी ऐसा कोई डेंटिंग पेंटिंग वाला काम किया करूँ। और साथ में आपको दिखा रही हूँ बच्चों के कमरे में जो वॉल पेपर लगा है, ये मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, और अच्छा लग रहा है वैसे। इसको मैंने सिर्फ एक वॉल पर लगाया है, और बाकी आपको जो स्काई ब्लू नज़र आ रहा है बाकी पूरे कमरे में स्काई ब्लू ही है। तो बच्चों को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। दरमियान में ये जो धागा आपको नज़र आ रहा है ना, ये लाइट का है, और मुझे बहुत बुरा लगता है, इसको अनकरीब में ना काट दूंगी या इसको मैं कुछ करूंगी कि नज़र ना आए। जनाब जी, शेर मुंह धो के आ चुके हैं और शेरों का मुंह जो है वो चमक रहा है। और मेरी बहनें जो मुझे सुन रही हैं, प्लीज़ आप लोग भी उठें और उठ के जल्दी से मुंह पे टमाटर ही लगा लें, ठीक। और मुझे ज़रूर बताइएगा किसने मेरे मशवरे पे अमल किया, अपने मुंह को जाके चमका के आएँ अभी आप जाएँ, नहीं तो कल के लिए रख लें पेंडिंग। इंशाल्लाह 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 नेक्स्ट मंडे को मैं फिर से डेंटिंग पेंटिंग करूँगी इंशाल्लाह, और आपको बताऊँगी कि मैंने उस दिन कौन सा टोटका आजमाया।
कि आपने ये मेरी क्रीम देखें काम किया है ना, तो उसकी वजह से इसके ऊपर भी डस्ट आई हुई है, ठीक। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है, मॉइस्चराइज लाजमी करना है अपने मुंह के। और मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कीको मिलेनो की क्रीम, कीको मिलेनो की क्रीम, और ये देखें बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। और मैं इंशाल्लाह जाके इसको और लेके आऊँगी, और ये बड़ी अच्छी है कीको मिलेनो। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बड़ा अच्छा ब्रांड है। ये देखें जनाब हमारा कीको। और यहाँ पे ये मैंने चूड़ियाँ पहनी है, और मुझको देखा देखी हरमेन मैडम भी जो है वो, ये देखें नमो अपनी चूड़ियाँ दिखाओ, ये देखें इसने भी चूड़ियाँ पहन ली हैं, और ये चूड़ियों पे बड़ी खुश है, बाजू ऊपर करके फिर रही है। इसकी ये चूड़ियाँ तो नहीं है, ये हैं तो मेरी। और यहाँ पे मैं इन चूड़ियों की आपको एक बात शेयर करना चाहूँगी, ये पाकिस्तान से मिलाई थी आर्टिफिशियल चूड़ियाँ, और इनके ऊपर ये जो नग लगे हुए हैं ना, देखें कितनी प्यारी है, मुझे तो बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन अब जो है मुझे तंग हुई हुई है। आपस की बात है, बिल्कुल हाथ के करीब आ रही हैं, देख लें, वरना ये पहले से ही थी, अभी सही खूब वाली तंग हुई हुई है, लेकिन मुझे आज दिल कर रहा था। यहाँ पर ये वाला जो आपको नग नज़र आ रहे हैं, ये उतर चुके हैं, और अभी मैंने इनको ग्लू लगा के जोड़ा है। मतलब आप इतनी अच्छी चीज़ बनाते हो, तो सिर्फ ज़रा सी मतलब जो मेहनत होती है ना, असल इनको मेहनत वहाँ पे करनी पड़ती है कि आप इसको असेंबल अच्छे तरीके से करो, ग्लू अच्छी लगाओ। बाकी देखिए कितनी प्यारी चूड़ियाँ, लेकिन वो ग्लू उतरने की वजह से इनके ना ये वाला मोती उतर रहा है, ये वाला। तो बताइएगा कैसी है मेरी चूड़ियाँ। अच्छा बनाए हैं मैंने चिकन कोफ्ता, और बच्चे कह रहे हैं कि हमें साथ स्पेगेटीज बना के दो, और ये वाली स्पेगेटीज मैं यूज़ करती हूँ। मेरे हाथों के साथ लगा हुआ आटा आपको इस बात की तरफ ध्यान दे रहा होगा, स्पेगेटीज और रोटी जी, रोटी मैं अपने और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, बच्चों के लिए बनाऊंगी स्पेगेटीज, बिल्कुल सिंपल, बॉयल करके साथ उसके साथ खा लेंगे। ये देखें यमी यमी से चिकन कोफ्ता तैयार हो चुके हैं, इंतज़ार है, रोटी भी बन चुकी है, स्पेगेटीज हो जाए हमारी बॉयल तो हम खा लेंगे खाना। आप लोग क्या कह रहे हो, चले बाहर कि नहीं चले? नमा आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या बेटा? नो, इसी साइड पे, इसी साइड पे आ जाओ, आ जाओ, चलो। और आज देखें पानी कितना करीब आया हुआ है। ये देखिए जनाब आज तो पानी बहुत करीब करीब आया हुआ है, शाम का टाइम है, और हम आ चुके हैं यहाँ पे समुंदर पे, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। दोनों भाग रही है, आज मौसम बड़ा अलग अलग, बहुत क्लाउडी क्लाउडी रहा है, लेकिन टेम्परेचर अच्छा है, ठीक है। और हम थोड़ी देर ही बीच में रहे, हुई स्टार्ट बारिश, और बहुत तेज़ तेज़ हवा के साथ रेत ने हम पे हमला किया, तो हम जा रहे हैं वापस घर की जानिब। हरमेन जो है वो प्रॉम में बैठने के बिल्कुल मूड में नहीं है, और ये देखिए गीले हो चुके हैं बच्चे, ये उन्हीं नज़र आ रहा होगा आपको। बारिश और तेज़ हवा की वजह से हमें जल्दी वापस आना पड़ा। मौसम तो अच्छा था उस तरह, मतलब सर्दी टेम्परेचर वाइज बात करूँ कि उस तरह अच्छा था, लेकिन जब बारिश स्टार्ट हो गई और रेत बहुत ज़्यादा उड़ना शुरू हो गई, तो हमने यही बेहतर समझा कि हम घर की तरफ वापस चलें। प्रोग्राम तो हमारा यही था कि हम लेट वापस आएंगे, लेकिन हम जल्दी वापस आ गए। और इसके साथ ही आप मुझे देंगे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, और बिलखसूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।